याताश के रखना लाज तेरे दीवाने आए हैं, ऐसी आस लिए झूमते हुए हजारों की संख्या में अकीदमंदों ने शहर के ताजनगर परिसर से शाही संदल का एहतमाम किया गया, जहां पिछले 29 सालों की तरह नौजवान संदल कमेटी एवं लॉयंस ऑफ ताज ग्रुप द्वारा अध्यक्ष आरिफ खान एवं कार्याध्यक्ष अहमद खान के नेतृत्व में शानदार संदल रविवार को शहर का भ्रमण करते हुए ताजबाग शरीफ पहुंचा। इस शाही संदल को मुख्य अतिथि राजे मुदुजी भोसले, प्रदेश कांग्रेस पार्टी सचिव गिरीश पांडव एवं कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रवाना किया गया था। देता हूँ कि हजरत बाबा जान का 101वां ये पुरुष के उपलक्ष्य में सभी को मैं बधाई देता हूँ। और हजरत बाबा जान ये कौमी एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है और ये सिर्फ नागपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पूरे जग में ये बाबा जान के बारे में कौमी एकता के बारे में ये मिसाल दी जाती है और हर वर्ष यहाँ पे उसी जोश से बाबा जान का उर्स मनाया जाता है और इस वर्ष भी उसी जोश से ये मनाया जा रहा है। और हमारा एक नागपुर की शान आन बान हम बोल सकते हैं कि हजरत अर्जुन बाबा ये हमारे नागपुर में के होने के कारण ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी एक फख्र की बात है। सबसे पहले तो बाबा हुजूर के 101वें सालाना उर्स की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 10 तारीख से जो बाबा साहब के उर्स का आगाज़ हुआ है, भारत भर से ही नहीं दुनिया के बहुत से देशों से इसमें लोग शिरकत फरमा रहे हैं और बाबा साहब का फैज़ पा रहे हैं। कल 26वीं के दिन भी बाबा का शाही संदल निकलने जा रहा है और उसी श्रृंखला में आज अमजद भाई और उनके संपूर्ण टीम के माध्यम से यह संदल का आगाज़ हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद। नागपुर शहर के अंदर में हजरत बाबा ताजुद्दीन का दरबार जो है ये सर्वधर्म सर्वभाव के प्रतीक जो है, आप अभी यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर सभी धर्म के यहाँ पर लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के ये प्रोग्राम यहाँ नागपुर में किया जाता है। और हमारे मित्र जो है अमजद भाई आरिफ भाई इनके माध्यम से ये जो ताजनगर जो इलाका है यहाँ पर पिछले 15-20 साल से इनका ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ से संदल निकल के बड़े दरबार में ये लोग लेके जाते हैं, अब पूरे नागपुर शहर में ये लोग संदल लेके जाते हैं और कई सालों से इनका प्रोग्राम ही चल रहा है। मैं मेरे ओर से सभी जो बाबा ताजुद्दीन के दरबार में आए हैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ।
बाबा ताजुद्दीन के 101 उर्स की सबको मुबारकबाद। आरिफ और ये अमजद ये कई सालों से ये उर्स निकाल रहे हैं, बड़े धूमधाम से निकालते हैं। ये सबसे नागपुर से सबसे बड़ा संदल रहता है और ये संदल शहर का गश्त लगाता हुआ ताजाबाद शरीफ पहुँचेगा। तो इनके चाहने वालों को बहुत मुबारकबाद और ताजनगर की पूरी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी बात आज के चाहने वालों को मैं आरिफ खान नौजवान संदल कमेटी का अध्यक्ष पूरी ओर से सभी को बात आज के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो संदल है ये ताजनगर माने वाला रोड टुकड़ी जी पुतला यहाँ ताजनगर नौजवान संदल कमेटी इसकी जानिब से निकाला गया है। और ये संदल शहर का गश्त करता हुआ ताजाबाद शरीफ पहुँचता है, फिर वहाँ चादर पेश होती है, फिर वहाँ हमारा संदल खत्म होता है। आज का क्रम है जो हमारे से हुआ वो हमने किया। सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमत उल्लाह अलैह का उर्स निकाला गया। इस शाही संदल में उमड़ रहे रंग अकीदमंदों की भावनाओं, उत्साह और श्रद्धा को जाहिर करते रहे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमत उल्लाह अलैह की याद में हजारों अकीदमंद संदल में पैदल चलकर मुराद लिए ताजबाग पहुँचे। इस बीच इन सभी का उत्साह ढोल नगाड़ों और कव्वालियों की धूम के बीच शहर से गूंजता हुआ संदल के जरिए दिखाई पड़ा। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।